हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माइटी स्टडी में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच। आज की वीडियो में हम पूरा फिगर्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सुनिए, नंबर वन फिगर्स ऑफ स्पीच आता है सिमली। तो देखिए, सिमली को बहुत अच्छी तरीके से हमने डिफाइन किया है, बहुत ही सरल तरीके में। चलो देखो, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू डिसिमिलर ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग एटलीस्ट वन क्वालिटी इन कॉमन आर कंपेयर विद द हेल्प ऑफ द वर्ड सो एज लाइक। सिंपली का सिंपल सा अर्थ होता है भाई उपमा, यानी कि जिस सेंटेंस में सो एज और लाइक का प्रयोग होगा वहाँ पे सिमली होगा। सिंपल ऐसे करके पहचान कर सकते हैं हम सिमली की। तो इसके एग्जाम्पल हैं, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, यानी कि जिंदगी एक सपने की तरह है। अगला है, द नाइट वाज एज डार्क एज ए ब्लैक स्टोन, ये इसका दूसरा एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि यहाँ पे एज का प्रयोग हुआ, यहाँ पे लाइक का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे सिमली हुआ। तीसरा है हमारा, रंजीत सिंह बाज एज ब्रेव एज ए लायन, यहाँ पे एज का प्रयोग हुआ इसलिए यहाँ पे सिमली हुआ। ठीक है, यानी कि फिगर्स ऑफ स्पीच का सिमली। ठीक है, अगला है मेटाफर। मेटाफर इसमें क्या है दोस्तों, सिंपल सा हम पढ़ते हैं इसमें। अभी हम मेटाफर में क्या है, सिमली में हम सो एज और लाइक का प्रयोग करते थे, लेकिन मेटाफर में प्रयोग सो एज लाइक का नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो इसकी सिंपल से डेफिनेशन हो जाएगी अंग्रेजी में, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू डिसिमिलर ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग एटलीस्ट वन क्वालिटी इन कॉमन आर कंपेयर विदाउट द हेल्प ऑफ द वर्ड सो एज लाइक, यानी कि जो सो एज लाइक के बिना प्रयोग किए जाए जिस सेंटेंस में वहाँ पर मेटाफर होगा। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएगा सिंपल सा, लाइफ इज ए ड्रीम, जिंदगी एक सपना है। अगला है, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, जो ऊँट है वो रेगिस्तान का जहाज है। देयर इज ए रे ऑफ होप, यानी कि सिंपल सा इसमें सो एज लाइक का प्रयोग नहीं होगा, वहाँ पे मेटाफर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला आ जाता है हमारा, अगला है दोस्तों पर्सोनिफिकेशन, यानी कि मानवीयकरण। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच थिंग्स लाइफलेस ऑब्जेक्ट और आइडियाज आर प्रेजेंटेड एज ए पर्सन हैविंग इंटेलिजेंस और देयर ऑन पर्सनैलिटी, कहने का मतलब है शब्दों को ऐसे प्रस्तुत किया जाएगा जैसे कि वो एक व्यक्ति की तरह हैं और उनका खुद का व्यक्तित्व है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव बहुत अच्छा टीचर है। पर्सोनिफिकेशन का अगला एग्जांपल है कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स हैट द डोर बट ओनली फॉर वंस, यानी कि जो अवसर है वो सिर्फ एक बार दिया जाता है, लेकिन सही तरीके से उसका तुरंत इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अगला है, डेथ लेज हर आईसी हैंड ऑन द किंग, यहाँ पे डेथ को पर्सोनिफाइड कर दिया गया। इससे ऊपर वाले सेंटेंस अपॉर्चुनिटी वाले में इसको अपॉर्चुनिटी को पर्सोनिफाइड कर दिया गया, और इसमें डेथ को पर्सोनिफाइड कर दिया गया, इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हुआ। इस प्रकार से अगला है हमारा एपोस्ट्रोफ। एपोस्ट्रोफ मतलब किसी को संबोधन किया जाता है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच एन आइडिया सम लाइफलेस ऑब्जेक्ट और ए पर्सन हु इज नो मोर इन दिस इज एड्रेस्ड, जो मतलब एक किसी व्यक्ति को संबोधित भी कर सकते हैं, इसमें संबोधित करते हैं वहाँ पे अपोस्ट्रोफ होता है। जैसे इसके सिंपल से एग्जांपल हैं, ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, यहाँ पे आ भरी जा रही, ओ गांधी जी। दूसरा एग्जांपल है, ओ गांधी जी लुक एट योर इंडिया टुडे, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफ हुआ, क्योंकि यहाँ पे अपोस्ट्रोफ का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पे अपोस्ट्रोफ हुआ। सिंपल से पहचान है, यहाँ पे अपोस्ट्रोफ साइन देखे वहाँ पे अपोस्ट्रोफ है। ठीक है, अगला है हाइपरबोल। हाइपरबोल का सिंपल सा मतलब है अतिशयोक्ति, यानी कि किसी भी चीज को बड़ा चाहकर प्रस्तुत करना। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच थिंग्स आर प्रेजेंटेड इन मोर और लेस वे देन द रियल आर, मतलब कोई भी वस्तुएं या कोई भी चीजें हैं जो मतलब वास्तव में उससे बड़ा चढ़ा के प्रस्तुत करी जाएंगी और उसको नीचे दिखा के प्रस्तुत की जाएंगी। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। तो इसके एग्जाम्पल है, द चीप बाज माउंटेन हाई। अगला है, आई एम सो थर्सी दैट आई कैन ड्रिंक एन ओशियन। अगला है, ही वाज ड्रोन इन ए कप ऑफ वाटर, यहाँ पे क्या अतिशयोक्ति है, हाइपरबोल है। यहाँ पे किसी बर्ड को किसी थिंग्स को बड़ा चढ़ा के प्रस्तुत कर दिया गया है, सिंपल सा। अगला आ जाता है हमारा ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन में क्या है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टूगेदर, मतलब दो अलग अलग विपरीत अर्थ वाले शब्द साथ रख दिए जाते हैं, वहाँ पे ऑक्सीमोरॉन होता है। देखो एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज एन ऑनेस्ट थीफ, यानी कि वह ईमानदार चोर है। लाइफ इज ए बिटर स्वीट, अगला है, इट इज एन ओपन सीक्रेट, यानी कि ये खुला रहस्य। तो यहाँ पे रहस्य फिर खुला हुआ कैसे, यानी अपोजिट दो अपोजिट वर्ड रखे गए हैं, यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन हुआ, सिंपल से पहचान है। अगला आता है, अगला और आखिरी हमारा जो फिगर स्पीच है वो है ओनोमेटोपोइया।
ध्वनि चित्रण, कहने मतलब इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच सम साउंड इज प्रोड्यूस्ड, इस अलंकार में कुछ जो ध्वनि है वो उत्पन्न होती है। तो इसके सिंपल से एग्जाम्पल हैं, द बीज आर बजिंग, द स्नैक्स आर हिसिंग, ये भी हो जाते हैं, इसके ये भी हो जाएंगे, डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंका करते हैं, बंदर चैटरिंग करते हैं, और क्या है स्नैक हिस यानी कि सांप फुसफुसाते हैं, ठीक है, इसके ये भी एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर हम इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, जय हिंद।